क्योंकि देखो सर्दियों में तो कुछ नया मिलता नहीं है, लेकिन गर्मियों में भाई साहब बहुत एक से एक चीज आने वाली है जो कि आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। और भाई आपको एक चीज बताता हूँ, आज अपनी गाड़ी में भाई डीजल बिल्कुल भी नहीं है। और न्यूज में सुनने में आया है कि भाई दो दिन तक पेट्रोल पंप की हड़ताल है। वो किस लिए है, क्या है, वो मैं पूरा नहीं पढ़ा, खाली मैंने हेडलाइन पढ़ी। और मम्मी आपका शनिवार मुझे बहुत भारी पड़ गया। अरे तो अब शनिवार मन का थोड़ा नारा हो लिया। अरे मन ये बता, मैं दो दिन तक गाड़ी चलाऊंगी यहाँ? चला दो दिन को चैलेंज दे दिया मैंने। हाँ चैलेंज दे दे, चैलेंज दे दे। चैलेंज का चक्कर में रुपया 2-3 हजार बस तो जाए। लेकिन अब मन इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, सुबह सुबह भी 2-3 काम था, लेकिन मैं दो दिन बंद गाड़ी चलाऊंगा। कोई बात, दीदी गाड़ी ली, दीदी की गाड़ी में पेट्रोल डाला तो फिर छोड़ देना। चैलेंज ली हूँ मैं, पका कौन चले जा रहे तो दिखाओ, पीछे दिखाओ, चला ना। नमस्ते। इसने वो ऑन कर लिया भाई, जो ऑडियो विजुअलाइजेशन क्या आता है वो आईफोन का ऑन कर रखा है। इस फोन के पीछे पड़ाया तो कि खाना क्यों नहीं खा रहे, भिंडी की सब्जी खानी। और देखो पहले रोटी ऐसे रहती थी ना, छोड़ता नहीं था, अभी रोटी सूंघता तक नहीं है भाई, खाता नहीं है एकदम। सुबह उठ गया था, ये मेरे पास होता है आजकल, 8 बजे उठा सुबह, उठने के बाद में इसने खाई 2 मौसमी क्योंकि शुगर लो थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया ना मैं, इसने कुछ भी नहीं खाया। बोल रहे भिंडी स्वादिष्ट बना तो बना, तर बस की कढ़ाई बड़ी, फिर भाई मम्मी का बेमंजू खानो बना वाला ग्यारह को, अब अत्ताई दिन पड़े जाए थारो समय राजपाट संभाल ले जमीन जायदाद तो संभाला पहली चलो काम करवा की टेम तो जब दे याद कर ले। अरे मम्मी ले मन में 10 हजार में जरूरत है, थारो थारो ही तो छे, पापा गोरी को फेमस डायलॉग छे। अब काल में बताऊंगा, मैं चाहता तो खुद गाने छुट्टी जल्द डाला सकूं, पण मम्मी कन कैसे लो, मंगो कैसे ले चला, क्यों कार्ड सु डाला फिर बैंक बनानो पड़े। लेकिन भाई नहीं, शनिवार रे दी इसमें जीरा डाली मैडम, चार डाली, चार ही डाला था, तकता डाल दी। अब भिंडी पहली कौन चूकनी रहे, पहले इसमें एक हरी मिर्च डलती, वो हरी खाए थे, लाल कौन खावे तो बता वही कौन दिया यार। लाइट में बनाऊ स्वादिष्ट खाना, आप भाई बना सके स्वादिष्ट खाना, आप टाबरा कौन बस की आज अब करो भाई को खाई जाओ, एक जनो आर साई ज्यादा को कसो खाना बनाओ जाओ कोने तू आई यार, वो खाना बनाऊ जा लो है कसम से मुकना है तो ऊपर बस बोल राम दे से करे कहीं राम दे हां और कहीं से नहीं सुन मेरी बात, मैं 2024 या 25 का एंड तक एक प्रण दीजु बोल, या तो मैं 5 डोर थार ली आऊंगा या फॉर्च्यूनर ली आऊंगा। गाड़ी ले आऊंगा जरूर, एक तो जचगी बस दिमाग कमाए, गाड़ी ले आनी तो ले आनी, क्यों शिवा पेंट नहीं पहनी, लेकिन शिवा को कुमार सबसे बड़ा कारण बताता हूँ महिंद्रा की गाड़ी है जंग पकड़ने का। गाड़ी कल धुली थी भाई, लगभग लगभग 24 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक भी शीशे गीले हैं इसके, जबकि गाड़ी में चला के आया हूँ रात को कम से कम 20 किलोमीटर हवा के अंदर। ऐसा भी नहीं कि गाड़ी घर पे खड़ी खड़ी रही है, तो काफी सारी ऐसी जगह जहां से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई पानी गिर रहा है गाड़ी के अंदर से बाहर। तो महिंद्रा का जो पानी निकलने का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा उपचुक है भाई, मतलब सही तरीका सुखा ले लोगों ने कंपनी को, कंपनी मन ये लागत है बड़बड़ाट न करा गाड़ी इली इतनी ज्यादा टाइट कर दी कि पानी को निकास हो ही कौन तरीका सु, और मन कटे न कटे अभी लागत है टाइट कर वो भी जरूरी हो, क्योंकि स्कॉर्पियो बोलेरो और थार भाई साहब जी हिसाब से चला जाए ना यार, एक कैंपर भी हिसाब से भाई साहब अगर कोई दूसरी गाड़ी रगड़ देख तुम्हारे साथ पूरी रड़क निकल जाए, बाजबा ला जाए थोड़े दिनों में। ये गाड़िया बहुत ज्यादा रफ चलाओ भाई, लोग बहुत ही ज्यादा खाडा खोच रहा, मैं खुद ही यार मतलब छोटा मोटा खाडा हो जाए, मैं खुद ही रोकन करूँ चाल बदे चाल रही, वो कारण हो जो सबसे आज सबसे बड़ी समस्या का कारण ये रहेगा कि गाड़ी में डीजल नहीं है। तो हमारी गाड़ी देखना होगा कि कितनी देर तक चलती है और नहीं, और अगर आज डीजल नहीं मिलता है तो भैया कल तो धक्का मारना पड़ेगा, नहीं तो कल कर देंगे घर में खड़ी, क्योंकि आज आज की मेरी रनिंग हो जाएगी कम से कम 50 से 60 किलोमीटर और ये इतनी चलती है भैया रिजर्व टैंक के अंदर। तो देखते क्या होता है क्या नहीं, जो भी होगा जो बढ़िया होगा, और अब चलते सीधा दुकान। और हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और कुण कुण का घर भाई लावणी आ गई, आप बता जुमन माँ का घर आने आधी जमीन में लावणी आओ बड़ी मतलब चालू बड़ी चेर आधी माल तक आई उन्हें, मतलब जो पचे ताजा हुए थोड़ा पचे तरेगा गेहूं और बाकी अगर लावणी आएगी तो थे बता जो भाई था घर लावणी आई को नहीं, क्योंकि भाई साहब लावणी में पहली टावर बना में चाय पकड़ा पा जाता है बहुत स्वाद आता, मन काम करा रोक लेता अगर कहना भाग जाता दे मंत्र, बाकी भैया बहुत स्वाद आता बातचीत करता आ रही स्वाद स्वाद।
ओ भाई रिलायंस वाला पंप पे भीड़ देखो, शायद वो पंप चालू हो जाए तो भीड़ देखो थे एक बार यार। अगर मैं बाहर गाड़ी को सहूं तुम्हारे हिसाब से एक डेढ़ घंटे में नंबर गुनाओ थे देखो। अरे यार इतनी ज्यादा मारा मारी हो रही है कहीं तो सब डीजल कौन रखे लोग बाग गाड़ी में। चलो मान लो मारी तो मम्मी खेदी जना कौन रखे, मैंने हमेशा फुल कार सारे रखू छू। बताओ यार मतलब अभी लाइन जो लाग जाए लो वो दो घंटा सु या डेढ़ घंटा सु डीजल ले पाओ। जी मैं हमारे हिसाब से पूरा टंकी भर रहा कौन लाए कुछ न कुछ कारण हो लो, क्योंकि अब मन वो भी कौन ध्यान का हड़ताल कर सेंस से कहीं हड़ताल को भाई मन तो ध्यान कमेंट कर बता जो भाई हड़ताल छे क्यों आखिरकार। और मारा पिछला व्लॉग पे कमेंट कौन कर पा रहे हो क्योंकि यूट्यूब में कोई ग्लिच चल रही जी वजह से बार बार कमेंट ऑफ हो जाए बार बार हो जाए मैं फिर ऑन करूँ फिर ऑफ हो जाए यार। वो पंप बन से देखो वो बिल्कुल बन से वो चालू जो तो कौन का कारण है कौन सी सुपारी खाऊं पापा जी बबलू चाय में खाऊं ही ना कोई चीज है ना आज गलती से इलायची खा लियो जो ना थे अब खेरे मन पापा देखो ऐसा पावना पाल रखा है हमने क्या करे बबलू खाए अगर अहिया तो कोने बेटा खा भोई मत कर बबलू खाए अगर अच्छा काय पापा कोई काम कोने सुपारी ऊपर खावा नहीं खानो चाहिए ने और सुपारी खा बड़ा ना लाऊ भी कौन करो घर में काडो ही फूफा ने मखेरिस्तान बगा दियो खेरिस्तान ने क्या काई काटा यार अब बस को ना हो तो ते पहली जी टाइम जी हां छोरू देख गया जितने मैं था का बाप दादा और जबड़ो चेक कौन करे थे खुला भूल ले करे यार मैं जा तो करते तो मैं तो ये टाइम से लूं भी बगती बीटम बबलू नहीं चलती थी फिर बीटम थे बीटम तो ओ पापा बीटम तो और ज्यादा घातक तक चप्पू तो फिर बीड़ी का वादा किया था उन्होंने छोड़ देने से अच्छा ते कह दिया ना उन्होंने कह दिया था क्या पाना देख बीड़ी तो मैं को पीते हो छोड़ दीजिए फिर ते छोड़े कौन छोड़े अच्छा था तंबाकू पे भी तो खींचो फिर मेरा आज क्यों चल रहा क्या बीड़ी के लिए अच्छा बीड़ी के लिए मना करे जो सिर्फ तो गलती कौन की माँ पापा का दादा और की जाए उन्होंने सही समझ के सही बात है भाई दादा और जो गलत घर में देगा पर कोई बात कौन रही यार अब दंतो का लगन बुआ नहीं करता रिका सुना करे गाड़ी को देखो थे आगलो टायर पंचर हो रही थे एक कारण कौन हो रही पंचर घर वाला पाचन बैठे थे आगलो टायर पंचर जमाया यार इमा काटिया हुआ गए इन पेट्रोल तो निकले ही लिया और फिर इन और बेटा मिल जाए लग सो चलो मान चलो दुकान में हेलो गाइस बॉम्बे जा रही है बॉम्बे की ईंटी डाट सके तो ईंटा को डटली था दोबारा कर लो थी नहीं है टूट गई अब काई डाट दे देगा चल बन जा चाओ जो फिर पड़ जाओ वो तरीका जो चाओ लो क्या हो बेटा है बता बता भाई देखो आपनो बत्ती जो भी लगा लो पूरा मकान में कर को आपनो बत्ती जो भी लगे जा आपनो भाण जो भी लगे जा रविंद्र को कंस्ट्रक्शन को काम से सुनील को भी काम से तो लाई देखो उंदरा उजाड़ो बिल्ली खोदे जद को मकान बनावे लाग रे जे अरे ऐसो मकान बनाया छ कने तो गेट लगाया अरे लेंटर भी करूंगा ले पड़गो मकान आ करे क्यों रुपया आधी आरसीसी की दिया हर भाई कॉलम पे बनाओ कौन सी कहे मैन मैं यार दने चालू देगा कोई बात नहीं पहली बैठा जी आपके माइन गणेश जी ने गणेश जी पत्थर घर भाई अब बंद कर दे भाई अब बताओ तू क्या लाग रहे हो जे जी गटोत कच्चे वो बेटा तो बेटा एक मंजिल और बन तो और दूंगा और दू भाई देखो हमेशा दिखो जाओ भाई मारे अली रसगुल्लो लगे थे देखो एकदम रसगुल्लो है छोटा तू लगे थे छोटा हाथी भाई साहब वो टेम्पो ट्रक आओ जी सुबह ही जबड़ तू फिर तेरे बाल हम कहीं हो गए रूख हो रहे थे कौन लगा दी के बार वो काय लगा वो करे जो थे सिल्क की हाँ ये भाई आगे भी लगा जी थोड़ा सा माके बैटरी जाम वाला माड़ा भाई दुकान से तो को फ्री अब था लोग अगर बहुत तगड़ो कंफ्यूजन खड़ो रहे लो भाई रास्ता अभी जो बीच में दिखाई भाई रसगुल्ला की जिया कुंड से मम्मी का मामा की पोती भाई बातो और वो रविंदर और सुनील जो आए जाने ए योगेंद्र का भाई चखा तो भाई इस हिसाब से मारा ही भाई होगा तो मैं सारा का सारा शुरू से साथ पटेड़ा सार बातचीत करा था खूब मतलब और भाई रविंदर और सुनील रहे बॉम्बे कंस्ट्रक्शन को और ई लाइन को थोड़ा बड़ो काम से बैठे अने कहता 10-15 साल होगी 10 साल ही होगी ऑलमोस्ट सुशील भाई तू बॉम्बे को ना को ना और मैं जा भी कौन पाया की शादी में गए तो अब मैं और फूफा जी मतलब मम्मी या फिर फैमिली प्लानिंग कर ला कि फैमिली प्लानिंग इन द सेंस कि मतलब घूम भागी ट्रिप प्लान कर ला फैमिली के साथ अब देखो कद हो कोई नियोग संजोग बैठल हो जिदन की जिदन देखी जाए ली अभी मैं जा रही हूँ दीदी का घर क्योंकि मैं चोमू से भाई साहब स्पेशल बर्फी ले रहा है था तो एक दीदी को डब्बो चो दीदी ने पूछा दिया नहीं तो भाई साहब थे जानो जो दीदी ध्यान चलो दीदी खाली मारो डब्बो टेम्पो पूछा है कोने तू साला तू या कौन करियो तू भैया कौन करियो डब्बो ले जा और पूछा दे जा ताकि भानु खा ले लो भानु खुश हो जाए फिर मस्त भानु राम का नाम देखो पीछे आप आपके लिए मामा कुछ लाए हैं जैसे कृष्ण जी के लिए लाए थे वो सुदामा जी क्या मैं आपके लिए लाया हूँ एक समोसा और बर्फी और पता है बर्फी किसने गिफ्ट करी है किसने रविंद्र मामा आए थे वो कौन है योगेंद्र मामा के बड़े भाई और सुनील मामा भी आए थे शादी में जाओगे तो जानोगे ना कहीं जाते हो देखो इसमें आपके लिए समोसा भी है और भोग लगा देना पहले और आपकी लंबरगिनी में सेल्फी डलवा दिए कल निकाल के लाओ पीछे पड़िए बीच वाली सीट पे वाह यार भानु की कलाकारी देखो आप यदि जल्दी से एक कैपेचिनो बना दोगे यदि थोड़ा मुंडो बताऊं क्या लागो लागो सही बताऊंगे देखो उपरांत का सुशी कौन होगी सुशी चेक कर रहे हो दीदी पोली दुकान आओ दीदी वो चार्जर
भाई दीदी था ध्यान से कहीं क्रोध करी जमान वाला अब था नहीं लगता सुशील भाई प्रैंक करा था मैं ये झूठे ही तो भाई इतना तगड़ो फोन गिरियो था कहीं बताऊं टेम्पर भी गुण टूटे लेकिन फोन को क्यों गुण टूटे था रीजन बताऊं क्योंकि भाई कवर में थोड़ा महंगा रहा कुछ फोन के देखो कहीं भी नहीं हां बेटा S23 अल्ट्रा ही खरीदना पड़ेगा S20 अल्ट्रा नहीं लेंगे अपन लेंगे 16 प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स तो पुराना होने वाला है 3-4 महीने बाद तो भाई 16 प्रो मैक्स ही ले लो फिर इफोन ने बेचा हो ना आपा खुद के रख लो भी ताकि फिर या तो मैं रख लूं या फिर मम्मी रख ली या फिर नैना ले ली जो मैजिक ये देखो ऐसे नहीं चलती बेटा वो जैसे आप खड़ी करोगे ना और कार के टायर पुश करोगे तब चलती है समझे ओए होए होए राजा वाली कुर्सी पे बैठेंगे राजा बजाओ रे बाजा नहीं मैं राजा की राजा बैठ यार भानु एक चीज पूछो आज आपसे वो स्कूल में आप इतनी सारी मस्ती करते हो तो वो आपकी गर्लफ्रेंड से नाराज कैसे रहती है शिवा आपसे नाराज ही रहता है हमेशा भाई जब देखो जब शिवा इससे मात्र 2.5-3 मिनट की दोस्ती रखता है हाँ। उसके बाद दोस्ती खराब लेकिन फिर बानू अगर गाड़ी देते टाइम हंस दिया तो हंसा क्यों दीदी टेस्ट कर वेरी डिलीशियस थैंक यू सो मच पर घर नहीं आया इसलिए नाराज रविंदर भाई सही रहो कौन है हमारा फोन फोड़ दे दिया था यहाँ कौन बच्चों को काटी यार अब देखो वीडियो के अंदर हल्को हल्को झुंझुराहट दिखा रही पूरा खराब कर दी मेरा फोन नाराज और भाई ओम स्वीट्स के मस्त हो गया ऊँटो फोन कर दीदी देख ले वो डाल दे सबका सब थे भी बर्फी खा लो हो गाइस खा लो बेस दीदी अतरी तो बानू गिर मारी जमा से बानू खा के देखो अगर टेस्ट नहीं लगे ना चलो कोई बात नहीं मैं खा लेता सैंडविच बन गया था इतना बुरा गिरा था ना आपको क्या बताऊं मैं बहुत बुरा गिरा था बच गया लेकिन मियोनीज आईफोन बन जाएगा अगली बार आपका जी हाँ धड़क रही है भाई बत्ती भाई अभी हमारा कार जो धड़क रही है अब देखा तो रिलायंस वाला पंप पर डीजल बचो या कौन बचो क्योंकि मन ने अगर अभी डीजल मिला जाए तो सुबह में घूमबा के लिए निकलो और खटे और अभी डीजल नहीं मिला जाए तो भाई मैं खटे भी गुंजा पाऊंगा क्योंकि दीदी वाली अगर गाड़ी लेट जाऊँ तो भाई हमारा बहुत महंगी पड़ जाए एक तो पेट्रोल में दूसरी चीज ऑटोमेटिक तीसरी चीज 7-8 सुपर माइलेज को दीदी वाली गाड़ी क्योंकि ऑटोमेटिक पेट्रोल में हुंडई की गाड़ी जाकर भी जनवन सबने ध्यान लो कई तरीका को दर्द हो जाए भाई भी गाड़ी चला भाग माए तो भाई फिर मारो सिस्टम सारो हैंग हो जाए लो और रिलायंस वाला पंप गाड़ियां जारी तो चल देखा आपन तेल मिला है या नहीं मिला वो देखना पड़ा लो भाई वो तो सब आप किस्मत पर डिपेंड करे ओए होए 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 क्या खाक तेल मिलेगा भैया इस भीड़ में लगना पड़ेगा देखो इस कतार में लगोगे तब जाके डीजल मिलेगा डीजल वाली लाइन ज्यादा लंबी तो नहीं है लेकिन लगा ही देते हैं कैसे जैसे करके मिल ही जाएगा भाई पंप पे बहुत भयंकर भीड़ हो रही है यार आज आपको ये लाइन ही दिख रही होगी लेकिन ये क्या बटिल्ला मांडा जने भाई बहुत सारी मोटरसाइकिल की लाइन लाग रही है तो आप नंबर मारे हिसाब से 15-20 मिनट में आ जाए लो तो आप फुल करा ही लेना भाई काल मारो रिचार्ज भाई खटे घूमबा निकलवा और डीजल नहीं रहा तो फिर खट जाए कौन सा डीजल तो डला ही लेता ये देखो भाई इस साइड भी भीड़ लग रही है ना मतलब उल्टी सीधी सारी गाड़ियां फंस रही है और वहां पे भैया तू तू में चल रही है तगड़े लेवल की मतलब दो अंकल थे जो आपसरी में गंदे गंदे ही सारे करके धमकी वाले और फिर लड़ाई लड़ रहे थे और भाई हमारे इधर 3 गाड़ी और रह गए वैसे 1-2-3 वो गाड़ी फुल टैंक हो गया मेरे हिसाब से डीजल तो पूरा दे रहे भाई पूरा भराओ चाहे आधा भराओ जैसे भराना है भराओ तो भाई आपनो नंबर आई गो फाइनली और मारे चीज समझो ना गाड़ी में डीजल डला बट लोग बाग नीचे की उतर जाए उतरू तो मैं भी चुपन बसी जगह उतरू जटे मन कोई वॉशरूम वगैरह जानो या रेस्ट करना है 2-4-5-10 मिनट खराब करना हो जाकर डीजल डलाऊ बांका लेकिन भीड़ में क्यों उतर जाए लोग समझ में ना चलो भाई आप जल्दी सो अपनी गाड़ी ने कराओ ना लबा लब क्योंकि आप रिस्क उठा बचा भाई शनिवार क्यों मारे बड़ी बारी पड़ जाता तो अच्छा हुई मन डीजल मिल को आज भैया फुल डीजल कर दो फुल अच्छा आज ही देख लियो फिक्स आयो जो 5,000 रुपया वो डीजल फिक्स और टंकी हो गया लबा लब आ देखो अब टेंशन को भाई देव साहब एक कड़क नोट हाथ से जाला यार और फिर आप बाढ़ देना इन 10-7 दिन कमाए यार था का भाई को कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे थे गाड़ी खड़ी करवा का मामला थे देखो दिख रहे भाई कौन दिख रहे क्लियर देखो दे एकदम गेट से सिर्फ और सिर्फ 1 इंच की दूरी पर खड़ी करी चुले यार मैं गाड़ी तो भाई शिवा की आके शुगर चेक करी तो शुगर आई बाबू की कितनी आई 95 और मैंने कहा कि खाना खा लो नहीं किन्नू खाने तो इंजेक्शन खाना पड़ गया ना दो किन्नू खाए क्यों खाए सुबह खा लिए थे ना तो शाम को खाना जरूरी थोड़ी है मामा मैंने पॉपकॉर्न खा लिया पॉपकॉर्न भी खा लिया आज हाँ। वाह मौज हो रही बेटा इंजेक्शन खाओ और सब कुछ खाओ है ना और भाई मेरे को आके खुद बोलता है मामा मेरे 2 इंजेक्शन लगा देना मैं ये खाऊंगा तो यार चटोकड़ा हो रहा है ये धीरे धीरे फिर क्या करे यार अब जैसे उम्र बढ़ती खाने की इच्छा तो करती क्यों शिवाजी फोन कौन सा खोलू ये नहीं खोलता मैं भैंस की टांग और भैंस की टांग घूमने चलना मेरे साथ कल कब कल अकल अयोध्या चले अतलो कहाँ चले बोलो आप अयोध्या अतलो कहाँ चले बताना मैं कुछ तवाते नहीं आ आपको समझ भी नहीं आ रहा नहीं है अयोध्या चले अयोध्या बोलो अयोध्या अयोध्या वेरी गुड इतनी रात का खर्चा जा रहा है मुस्टंडा मुस्टंडा कोई सो दो ले रहा है अति रात ने भी हाँ अति रात चके आटे कौन बुझिया तो
जबरदस्त यार बता मत वो मैंने आग तो करके रिबन शिवो ये खिला दो वो खिला दो फलाना खिला दो डिमकड़ा खिला दो बड़ा एडो खण खो मम्मी काम आग तो ही रतू अरे वो किनु खिला दो ये खिला दो फिर दो बार फ्रेश हो जानो हां बनार को आ जा तो तू कोट को असर दिखा दे बसो बड़ा दी बसो ना तन बड़ा एडो को अब तू एक चीज बता थारा हाथ सुस्वाद जुखाई जना खाली होगो हां बोल बड़े गुन बड़े स्वाद दो बड़े स्वाद तो खा बोल जण मैं भिंडी खाऊंगी मन काय बतो चल ठीक छे ओए होए 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 कहां जा रही है गाड़ी और भाई मारी जेजू जिम छूट गई जी पासु मार तो डाइट ही बढ़ गई यार अभी भी मैं खाणो खाई स्वाद दबार और भाई मीठो खाऊं जी की तो खुशी में कोने क्यों मम्मी खा तो रहे तो दुनिया भर को यार मैं तेरी शक्ल एक चीज देख रही याद आ गई मैं हां काकड़ी देख रही हां शाप की जोरदारी शक्ल भी आण की छे तेरी शक्ल भी यही छे हां की है की वाओ वाओ डीजे बॉय वाह 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 तमन ऑन पे कल्ली काल तन घुमा लेऊं तन चल तो अयोध्या का दर्शन करा लेऊं तन हैं देख मु कुंड देख रही छु कुंड देख रही छ ने हां सारे तो नहीं काम कर जा आइडिया देखते छ बस चलो भाई अब जल्दी से एडिट एडिट कर ले टाइम पे सुबह सुबह जल्दी निकल ला आज का छोटा सा व्लॉग ने एंड करा तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आसपास कूड़ा कचरा मत फैलाओ राम राम और गाना का मजा लियो।